कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य थे, उन भगवान परशुराम के शिष्य जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। भगवान परशुराम क्षत्रियों के सबसे बड़े दुश्मन थे, इसी कारण वह कभी भी किसी भी क्षत्रिय को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। वो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा केवल और केवल ब्राह्मण पुत्रों को ही दिया करते थे। इसलिए भगवान परशुराम से धनुर्विद्या सीखने के लिए कर्ण ने झूठ बोलकर अपने आप को एक ब्राह्मण पुत्र बताया था, और इस झूठ का सहारा लेकर ही कर्ण ने भगवान परशुराम से वह सारी धनुर्विद्याएं सीखी थी जो विद्याएं अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य को भी नहीं आती थी। एक बार भगवान परशुराम अपने शिष्य कर्ण की एक जांघ पर अपना सर रखकर आराम कर रहे थे। इस तरह लेटे लेटे भगवान परशुराम अचानक बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं। तभी एक कीड़ा आकर भगवान परशुराम की जटाओं में छिप जाता है और कर्ण की जांग में काटने लगता है। कर्ण को उस कीड़े के काटने की वजह से बड़ा ही असहनीय दर्द होने लगा था, परंतु कर्ण ने फिर भी अपना पैर नहीं हिलाया था और उस असहनीय दर्द को सहता रहा था, क्योंकि कर्ण को मालूम था कि उसके पैर हिलाने से उसके गुरु की निद्रा टूट जाएगी और वह अपने गुरु के विश्राम में किसी प्रकार का विघ्न नहीं डाल सकता था। थोड़ी देर बाद जब भगवान परशुराम की नींद टूटी, तब उन्होंने कर्ण की जांग पर एक बड़ा सा घाव देखा, तो वह कर्ण की सहनशीलता को देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे, और वह यह भी समझ गए थे कि कर्ण ब्राह्मण पुत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण पुत्र उस असहनीय पीड़ा को नहीं सह सकता था। भगवान परशुराम के सामने जब कर्ण की सच्चाई आई कि वह एक ब्राह्मण नहीं सूत पुत्र है, तो उन्होंने क्रोध में आकर कर्ण को यह श्राप दे दिया था कि तुमने धोखे से मेरा शिष्य बनकर जो धनुर्विद्या प्राप्त की है, उस सारी विद्या को तुम अपने युद्ध के समय अचानक भूल जाओगे। यही कर्ण के साथ हुआ था। जब निर्णायक युद्ध के समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धस गया था, तब रथ के पहिये को निकालने के लिए कर्ण रथ से नीचे उतर आया था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जब अर्जुन ने कर्ण को युद्ध के लिए ललकारा, तब भगवान परशुराम के श्राप के कारण कर्ण अपनी सारी धनुर्विद्या भूल गया था और रथ का पहिया हाथों में लेकर किसी पागल की तरह अर्जुन से युद्ध करने लगा था, जिससे वह आसानी से अर्जुन के तीरों से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा था। इसी तरह ही बहुत पहले की बात है कि एक बच्ची एक लोटे में दूध लेकर जा रही थी कि तभी अचानक उस बच्ची के हाथ से वह लोटा छूट जाता है और उसका सारा दूध पृथ्वी पर गिर जाता है। तब कर्ण पृथ्वी को अपने तीर से भेद कर पृथ्वी को उस लोटे में दूध वापस भरने के लिए विवश कर देता है, तो उस समय देवी पृथ्वी स्त्री के रूप में कर्ण के सामने प्रकट होकर क्रोध में कहती है कि तुम इस बच्ची को एक लोटा दूध अपने घर से भी लाकर दे सकते थे, परंतु तुमने अपने पराक्रम के घमंड में चूर होकर जिस प्रकार मुझे वेदना दी है, उसी प्रकार मैं तुम्हें युद्ध स्थल पर वेदना देकर तुम्हारे इस पराक्रम का घमंड तोड़ूंगी। युद्ध करते समय कर्ण के रथ का जो पहिया धरती में धस गया था, वो देवी पृथ्वी की तरफ से कर्ण को दी गई वेदना ही थी।